डिप्टी कमिश्नर वदीन यासर भट्टी की जानिब से ईंटों की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस लेते हुए ईंटों का बट्टा मालकान के साथ आम इजलास दरबार हॉल में मुनक्किद इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन यासर भट्टी ने कहा कि जिला बदीन के तमाम ईंटों की भट्टों को ही तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। ईंटों के भट्टों को रजिस्टर किया जाएगा और भट्टों में मौजूद मजदूरों को सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में भी रजिस्टर किया जाएगा, जिससे मजदूरों को मुफ्त तबी सहूलियात हासिल होंगी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत देते हुए कहा कि अपने मुतलका तहसीलों में मौजूद ईंटों की भट्टों का दौरा करें और मुकम्मल तफसीलात फराहम करें, जिसमें मजदूरों की तादाद, भट्टे के माहौल पर असरात, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला मवाद और ईंटों की तैयारी पर आने वाला कुल लागत शामिल। इन तमाम अदाद शुमार को इकट्ठा करने के बाद आधे हफ्ते ईंटों की कीमत मुकर की जाएगी। उन्होंने बट्टा मालकान को हिदायत देते हुए कहा कि माहौलियाती इदारे की दी गई हदायत पर मुकम्मल अमल किया जाए और साथ ही चाइल्ड लेबर एक्ट पर भी अमल किया जाए। इस मौके पर माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल सलाम समू ने कहा कि ईंटों के भट्टों की वजह से फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह भट्टों में ईंटों की तैयारी के लिए प्लास्टिक, लेदर और कपड़ा जलाना है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक जलाने की वजह से इनमें खतरनाक गैसेस खारिज होती है, जो भट्टे में काम करने वाले मजदूरों और आसपास रहने वाले इंसानों और जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ईंटों के भट्टों में सिर्फ माहौल दोस्त ईंधन शामिल किया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक जिला बदीन में 111 छोटे बड़े ईंटों के भट्टे हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू राजेश दिलेब, जिला के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, प्राइस इंस्पेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड और प्राइस सकीदुद्दीन भट्टा, मालिक अब्दुल सत्तार समूह और दीगर भी शिरकत।